लड़ाई चल रही है, कब तक चलेगी ये लड़ाई? हम लोग तो नहीं बोल सकते कि कब तक चलेगी, लंबा। लोग कई पक्ष के हैं, कुछ का ये भी कहना है कि ये मांग ऐसी है जो भारत की आजादी से भी पहले की मांग है। तो क्या लोग ये भी सोचते हैं कि क्या अभी तक उन ग्रामीणों के पास, उन गांव वालों के पास, उन गरीबों के पास क्या वो खतियान सबके पास मौजूद हो? क्या ये जरूरी है? हम लोग तो मांग रहे हैं कि खतियान आधारित नियोजन नीति हो, जिनके पास जो खतियान है जीसी का 1932 का हो, चाहे आगे में कोई हो, नियोजन नीति मतलब खतियान आधारित नियोजन नीति बने, उद्योग नीति बने, विस्थापन नीति, इसकी मांग है कि हम लोग का कार्टन है, हम लोगों को मिलना चाहिए अधिकार, हम लोगों को नियोजन मिलना चाहिए, हम लोगों को सारा चीज ये हम लोगों को मिलना चाहिए। इसके बाद क्या जो पहल चल रही है, लगातार लंबी लड़ाई चल रही है, क्या इससे ये समझ नहीं आता कि जेएमएम सरकार यहाँ के स्थानीय लोगों को भूल चुकी है? हाँ, भूल तो चुकी है, ताकि हेमंत भैया को बहुत उम्मीद से हमारे झारखंड के नौजवान माता बहन बनाए थे, मगर आज जिनके खिलाफ उनको बैठाया गया, जिस उम्मीद से बैठाया गया, उम्मीद से वो मैंने बाहर हो चुके हैं, और हमारे नौजवान का विपरीत चल रहे हैं, इससे उम्मीद नहीं हमें। और बात अगर हम क्षेत्रीय भाषा की करें, उसकी भी लड़ाई लंबी चली थी, कहीं ना कहीं कुछ हद तक मांग पूरी हुई, लेकिन जो लड्डू देने का काम किया है जयमन सरकार ने, कहीं भोजपुरी मगी को हटा करके उर्दू और उड़िया को जोड़ दिया, क्या ये फिर से एक नया खेल तो नहीं चालू है? नहीं, खेल तो सरकार कर रही है, हमारे झारखंड के लोगों को, नौजवानों को विभाग के रख के अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। आने वाला जो चुनाव होगी 2024 में, उसका भी तैयारी सरकार कर रही है, और अपोजिशन पार्टी भी दोनों मिलकर ये खेल झारखंड की जनता के। हम यहाँ पे देख रहे हैं लगातार युवाएं सामने आ रहे हैं, युवा लोग सामने आ रहे हैं, युवा अपनी जंग को लड़ रहे हैं। क्या ये युवा आज के समय में अपने फ्यूचर बनाने का काम करें, या फिर ये आंदोलन में ही लगे रहे? देखिए, इसी में फ्यूचर है, यदि युवा अभी नहीं लड़ेगा तो फ्यूचर क्या? जब हमारा झारखंड ही नहीं रहेगा, हमारा नौकरी ही नहीं बचेगा, हमारा खनिज संपदा नहीं बचेगा, तो हमारा भविष्य क्या होगा? इसलिए ये लड़ना भी एक भविष्य है, आप लड़ के लीजिएगा, तभी आपका नियोजन भी हो सकता है, आपका खनिज संपदा भी बच सकता है। आप धरोहर हैं, नौजवान हमारा इस झारखंड का धरोहर, आप नहीं बचाइएगा तो ये जाके झारखंड का तमाम चीज खत्म हो जाएगा। इसको रोकने के लिए नौजवान को लड़ना है। एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे, यह युवा आने वाला कल है, आज ये युवा अपने क्षेत्रीय भाषा और क्षेत्रीय और मांगों को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं, आने वाले 2024 लड़ाई में जो चुनाव है, क्या उसमें जेएमएम को हम फिर से देख पाएंगे? अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि जेएमएम रहेगा कि बीजेपी, आज तो कांग्रेस, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि जनता ने एक विचार बना लिया है कि इन लोगों को बायकॉट करके आने वाला नहीं राजनीति जरूरी है।